मुड़िया पूर्णिमा में पिछली बार की अपेक्षा इस बार ट्रेन के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा की। श्रद्धालुओं की सेवा कर रेलवे को भी पिछली बार की अपेक्षा अधिक फायदा हुआ है। मथुरा के मुड़िया पूर्णिमा मेले में पहुंचने वाले भक्तों की रेलवे के द्वारा सेवा की, भरपूर सेवा की गई। श्रद्धालुओं की सेवा में रेलवे ने पूरा अमला झोंक दिया था। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया था। मथुरा के मुड़िया पूर्णिमा मेले में ट्रेन के माध्यम से टिकट लेकर 8 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की। आगरा मंडल को श्रद्धालुओं से 2,52,00,000 रुपए का मुनाफा भी हुआ। मथुरा में 16 जुलाई से 23 जुलाई तक मुड़िया पूर्णिमा मेला आयोजित किया जाता है। इसका समापन हो गया है। इस बार मुड़िया पूर्णिमा मेला में हमें पिछली बार से थोड़ी अधिक भीड़ देखने को मिली है। रेलवे में उसी हिसाब से सारी सुविधाएं इंतज़ाम किए गए थे। इस मेले की अवधि में रेलवे को 2,52,00,000 रुपये की आय अर्जित हुई है। रेलवे के द्वारा पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक ट्रेनें चलाई गई थी। कई ट्रेनों में बोगियां बढ़ा गई थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। आरपीएफ और जीआरपी के अलावा स्काउट के कैडेट भी तैनात किए गए थे। लगभग 10 लाख यात्रियों ने इस एक हफ्ते में मथुरा, भूतेश्वर और गोवर्धन स्टेशन से अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए सफ़र किया है। साथ ही सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत पुख्ता किए गए थे। 600 से अधिक जीआरपी और आरपीएफ के जवान, 200 स्काउट एंड गाइड व टिकट चेकिंग कर्मचारी स्टेशन पे क्राउड कंट्रोल के लिए लगाए गए थे। पिछले वर्ष इस मेले में लगभग 100 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। इस बार भीड़ को देखते हुए 154 स्पेशल ट्रेनें इस पीरियड में संचालित की गई हैं। इस बार सभी स्टेशन के सभी एंट्रीज पे मेडिकल कैंप लगाया गया था, एम्बुलेंस लगाए गए थे। हालांकि कोई मेजर घटना मेले में इस प्रकार की नहीं हुई। छोटी मोटी फर्स्ट एड की जो सहायता थी वो यात्रियों को प्रोवाइड कराई गई थी। श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक थी जो पिछली बार की अपेक्षा काफी अधिक है। 8 लाख श्रद्धालुओं ने टिकट लिए जबकि सूत्र ये बताते हैं कई गुना श्रद्धालुओं ने बिना टिकट यात्रा भी की। लेकिन ये धर्म की बात है, ये आस्था की बात है। इसीलिए रेलवे सभी की सेवा कर रहा था जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी से बचाया जा सके। हालांकि हम सबका दायित्व बन जाता है टिकट लिया जाए, लेकिन तमाम लोग श्रद्धालुओं की भीड़ में टिकट नहीं लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम श्रद्धालुओं की हैसियत भी ऐसी नहीं होती है वे टिकट लें, जाना चाहते हैं इसीलिए बिना टिकट यात्रा कर जाते। बहरहाल जो भी हो, लेकिन श्रद्धालुओं की सेवा में रेलवे को फायदा मिला है। मथुरा में लगने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर रेलवे ने व्यापक तैयारियां की थी। मेला समाप्त हो गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन के माध्यम से मुड़िया पूर्णिमा मेले में पहुंचे। रेलवे को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। ये वो मुनाफा है जिन श्रद्धालुओं ने टिकट लेकर यात्रा की। ऐसा माना जाता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना टिकट भी यात्रा करते हैं, लेकिन रेलवे ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। पिछले बार की अपेक्षा इस बार अधिक ट्रेनें अतिरिक्त चलाई गई। रेलवे कहना है सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहीं, कोई घटना नहीं हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है क्योंकि भीड़ काफ़ी अधिक थी। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।